हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JDS एजुकेशन अकेडमी। सो आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ ME C001 इकोनोमेट्रिक्स मेथड के सॉल्व असाइनमेंट इग्नो स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग MA इकोनॉमिक्स कर रहे हैं इग्नो से और फाइनल ईयर के बच्चे हैं, उनके लिए असाइनमेंट का सॉल्व किया गया है। सो जैसा कि मैंने लास्ट पार्ट में ME C001 के लास्ट वीडियोज़ में मैंने कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए थे, उसमें से दो क्वेश्चन बस रह गया था आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड रह गया था और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ रह गया था। तो मैंने बोला था आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो उस वादे के मुताबिक मैं ये वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे दोनों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व मिलेंगे फ्रेंड। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। इसके अलावा अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन दोस्तों मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगी और मैं आप लोगों के लिए और जल्दी ही बाकी वीडियोज़ भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। सो नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड आपका यहाँ पे, कंसीडर द मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल इन द स्टैंडर्ड्स मैट्रिक्स फॉर्म सो दैट द OLS एस्टिमेटर आर द बेस्ट लीनियर अनवाइज एस्टिमेटर फ्लो। तो इसमें दो क्वेश्चन है फ्रेंड और दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। तो इसका आंसर मैंने बहुत मुश्किल से फाइंड किया है। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे यहीं से स्टॉप करके वीडियो को लिख सकते हैं। आपके स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, वैसे ही आप लिखते जाइएगा आंसर को। ये पूरा आंसर था और इसी से इसे कंटिन्यू कर लीजिएगा, क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाना था मल्टीपल रिग्रेशन को। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म्स के भी आंसर आपके यहीं पे यहीं से कंटिन्यू करना है। आप ये मैट्रिक्स फॉर्म दिया हुआ उसका मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल का, तो इसे भी आपको लिखना है। उसके बाद आपको प्रूव करना था कि जो OLS एस्टिमेटर है वो बेस्ट है, ब्लू है, वो सॉल्व करना है। तो सेकेंड पार्ट का आपका आंसर यहीं से स्टार्ट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ही, ठीक है, ब्लू का। सो वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि अगर आप ये बाहर से आंसर के लेने जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ पेमेंट देनी होगी और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कुछ पैसे पे करना पड़े। तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड, तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए वो सब्सक्राइब भी जरूर जरूर कर दीजिएगा। तो ये पूरा आंसर था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का यहाँ तक। अब यहाँ से आपका जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है पार्ट बी का, बी का जो आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपसे आपका मिलेगा फोर्थ क्वेश्चन का, एक्सप्लेन द स्टिमुलस इक्वेशन मॉडल, वहाँ पे प्रूव करना था आपको। तो यहाँ से उसका आंसर क्लियर हो जाएगा, आप इसे लिख लीजिएगा आराम से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को आप आराम से यूज करके भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसी में पूछा हुआ था कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, ये भी बताना था उसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। तो उसका आंसर यहाँ से है आपका, यही फोर्थ का सेकंड पार्ट है, उसका आंसर है। सो ये पूरा आंसर है आपका। सो इस वीडियो में मैंने दोनों क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए फ्रेंड। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ फ्रेंड। तब तक के लिए गुड लक एंड ऑल द बेस्ट फ्रेंड।